हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे ही होंगे। चलिए, मैंने कहा आज का ब्लॉग कुछ नया करते हैं। नया क्या, थोड़ा सा मैं जो करती हूँ डेली रूटीन में वही दिखाना चाहती हूँ। चलो, मैंने कहा आज धनिया को हम कम से कम एक हफ्ते या 15 दिन तक के बीच में कैसे फ्रेश रख सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा तो हमें काम करना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर बिछाने के बाद इस पर हम अपना जो हमारा धनिया है, देखिए अभी ग्रीन कलर है इसका। अगर हम इसे नहीं, अगर 2 दिन में हमने सही से नहीं रखा तो ये इसका कलर भी खराब चेंज हो जाएगा और ये बेकार भी हो जाएगा, ये फ्रेश भी नहीं रहेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो आप देखते रहिए बस। ये मेरे पास पड़ा हुआ है बॉक्स जिसमें हमारे घर में कोई सब्जी आई होगी, ये उसी का बॉक्स है। तो मैं तो इसमें भी रख लेती हूँ, अदरक हो या मेरे लहसुन छिलके में रखना होता है, मैं इन डब्बों में, इन बॉक्सों में रख लेती हूँ। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ पहले, मुझे सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे मेन कारण, धनियों को हमें गीला नहीं करना, बिल्कुल भी पानी नहीं डालना। और जो गीले अगर पत्ते हैं इनमें, उन्हें भी अलग निकालना है, क्योंकि गीले अगर एक पत्ता में इतना गीला रहेगा तो उससे ये सारा धनिया सड़ जाएगा। अब सिंपल सा मैं एक तरीका है, मैं धनिया को अच्छे से पहले बीन के रख लेती हूँ। अगर हम हर चीज़ में धनिया डालें तो हमें उसकी भी खुशबू अच्छी आती है। तो भाई मैं तो अपना धनिया लाती हूँ और सबसे पहले ज़्यादा ज़्यादा एक दिन अगर नहीं हो पाई बाई चांस, नहीं तो मैं सबसे पहले धनिया अपना अच्छे से काट के एयर बॉक्स में रख देती हूँ साफ़ करके, क्योंकि वो रहता है ना कि जब मन करा है हमारा, अदरक लहसुन धनिया कटा हुआ रखा हुआ है, तो हम जो भी सब्ज़ी बनाएंगे तो हमें ज़्यादा झंझट नहीं लगता कि फटाफट धोया धनिया और उसमें सब्ज़ी में डाल दिया। और ये सब्ज़ी कोई भी बनाए तो आपके लिए, तो आप मानते ही हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी शायद ये है ही हमारे लिए। धनिया मैंने बीन लिया है और धनिया भी मेरे को फ्रेश है, तो मैं कहा चलो धनिया को काटते हैं। काटना है तो आप उसके लिए काट भी सकते हैं, नहीं तो आप पत्तियाँ भी निकाल सकते हैं। चलिए मैं देखती क्या करती हूँ, क्योंकि मेरा कटाव वैसे रखा हुआ है धनिया काफ़ी, तो मैं चलो ये इसको मैं रखती हूँ शो करके। 10-15 दिन मेरा आराम चलेगा, आराम से वो भी बिल्कुल फ्रेश रहेगा, कलर ग्रीन रहेगा। तो आप देखिए, मैं तो यही काट के रख लेती हूँ। मेरे जो आज हैदरा रखा हुआ है वो भी रखा हुआ है 1 हफ़्ते से, वो भी अभी अच्छा है। मैं चटनी वगैरह बना लूँगी, इसे ख़त्म करूँगी इसे। धनिया तो आप पत्ते ऐसे काट सकते हैं, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होते, और पत्तियों के साथ ज़्यादा पत्ती इनकी डंडियाँ भी ज़्यादा हार्ड नहीं लगती है। देखिए मैं तो पत्ती इनकी निकाल निकाल के रख लेती हूँ। धनिया मेरा बिन के रख दिया है मैंने, मैं तो ऐसे रख भी सकती हूँ इसे, क्योंकि इस अब इसे काटना है तो मैं काट के भी रख सकती हूँ। चलो मैं आपको काट के डाली है, चलो मैं इसे काट के रख देती हूँ। और देखिए, चलिए कट करके रख दिया है मैंने, चलिए इसे अब मैं ढक के रख देती हूँ। मैंने ये पूरे बॉक्स में रख दिया है इसे, अब ये रहेगा फ्रेश। चलिए देखते हैं कैसे। तो फ्रेंड अब ये रहेगा फ्रेश, मैंने कहा धनिया कट के रख दिया है। अब ये आप पकौड़ी में डालिए या किसी भी पकौड़ी में डाल लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, सब्जी में डालिए, रायते में डालिए, कटा हुआ धनिया आपका रहेगा फ्रेश। जब भी आपको लग रहा है कि कुछ भी बना रहे हैं तो धनिया लगाए, धनिया डाल के किसी भी सब्ज़ी में डालोगे तो अच्छा लगेगा, कलर बहुत सुंदर और इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो प्लीज़ ऐसे धनिया रखिए, आपका धनिया पूरे 15 दिन तक फ्रेश रहेगा।
हम लोग तो ऐसे ही रखते हैं और ऐसे ही मेरा धनिया फ्रेश भी रहता है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक कि बने रहिए मेरे ब्लॉग पे। बाय। अगर लाइक अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। बाय।